वीडियो देखने से पहले अनफी दर्श को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। चलिए आज मैं आपको अब हरकत जबर से पेश के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिए, मेरे साथ बोलेंगे हरकत 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 एक जबर एक जबर एक जबर एक पेश को कहते हैं हरकत एक जबर एक जबर एक पेश को कहते हैं सवाल करेंगे हरकत को कैसे पढ़ेंगे तो हम मुकम्मल जवाब देंगे हरकत को जल्दी पढ़ेंगे हरकत को कैसे पढ़ेंगे हरकत को कैसे पढ़ेंगे सवार से पेश को कैसे पढ़ेंगे एक ही बात हुई ना हरकत और सवार से पेश हरकत को अगर हम जल्दी पढ़ेंगे तो फिर सवार से पेश को भी जबर जैर पेश को कैसे पढ़ेंगे जबर को कैसे पढ़ेंगे जवाब दीजिए जबर को जल्दी पढ़ेंगे जैर को कैसे पढ़ेंगे पेश को कैसे पढ़ेंगे जबर जैर पेश को कैसे पढ़ेंगे जबर जल्दी पढ़ेंगे हरकात को कैसे पढ़ेंगे अब यह है कि हरकात को जल्दी हम कैसे पढ़ें वो मैं आपको समझाऊंगा। उसको समझने से पहले जो कि आज का जो बुनियाद अक्षर वो चार है, अलिफ है, मीम है, लाम है और काफ है। तो एक बात तो आपको ये जानना है, एक बात तो आपको ये जानना है कि अलिफ को अगर आप गुजराती में तर्जमा करेंगे तो उसका तर्जमा होगा क्या अ, और मीम को अगर तर्जमा करेंगे तो उसका तर्जमा होगा क्या म, लाम को अगर तर्जमा करेंगे तो उसका तर्जमा ल, और काफ को अगर आप तर्जमा करेंगे तो तर्जमा क। एक बात, दूसरी बात आपको समझना है कि ज़बर को तर्जमा करेंगे तो क्या, ज़ेर को तर्जमा करेंगे तो क्या, और पेश को हम लिखेंगे तो क्या। जरा ध्यान दीजिए, अगर ज़बर है, ध्यान दीजिए, अगर ज़बर है तो उसका तर्जमा भी अ, आई बात समझ में, और अगर ज़ेर है तो उसका तर्जमा है ई, जिसको दूसरे अंदाज से हम लिखते हैं ई, और अगर पेश है तो उसका तर्जमा करेंगे ओ, बोल गए वो कैसा था मालिक देखिए, तो फिर उसका तर्जमा करेंगे बोलिए ऊ, और उसका जो दूसरा रूप है दूसरा जो है ये है ऊ। अरे बस समझ में, अब हम देखिए कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अब हम कुरान पाक पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह खुद ब खुद पढ़ेंगे। जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, अब हम कुरान पाक शुरू करेंगे। मैं आपको उसूल जो बताया था आपको उसूल के ऊपर चलना है। आप मुझे बताइए कि ये क्या है, अलिफ को खींचना या जल्दी जल्दी बोलिए अलिफ अलिफ, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये क्या है खींचना या जल्दी, एक अलिफ या तीन अलिफ, ला
तरीके से आज आप समझ लीजिए आपका आज पहला दिन है। अब बोले कि मौलाना ये दो दिन क्या कर रहे थे? बस तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को मैं जमा कर रहा था, लेकिन आप लोग हिलने वाला कहा है, जितना तो उतना ही। अब मैं तो ज्यादा लेट करूंगा तो आप भी लेट हो जाएंगे और मैं भी लेट जाऊंगा, इसलिए आज से मैंने हुरूफ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसी मेहनत अगर मुसलसल चले 8-10 दिन तो फिर प्रॉपर पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे ना, अच्छी बात है। मैं आपको मजीद समझाऊ, ये तो बेगैर जबर जब पेशी के हमने कुरान पाक पढ़ लिया, पढ़ लिया ना, अब हम जबर जब पेश के साथ पढ़ेंगे। बिलावल की तरफ ध्यान दीजिए, आखिर में मैं कुरान का एक टुकड़ा पढ़ा, मैं उससे पहले एक एक अक्षर को मैं आपको समझाऊ, जरा आप मुझे बताइए कि ये क्या है, मुझे बताइए कि ये क्या है, मुझे बताइए कि ये क्या है। आई बात समझ में? अब जरा मैं इसको आपकी जबान में समझाऊ, उधर वाला हरफ क्या है? मीम है, इसका मतलब आपके जबान में वो म है, उसके बाद ये कौन है, मतलब आपके जबान में ये ल है, इधर वाला हरफ क्या है, मतलब आपके जबान में वो क है। ये तो आप खुद मुझे कर सकते हैं ना। अब रही बात जबर ज़ेर पेश, अगर हम जबर देंगे, अगर हम जबर देंगे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं, तब्दीली तो आएगी अगर आप समझ ले तो। असल में हमें इसको लिखना चाहिए इस तरीके से, ये जब इस पर हम जबर देंगे तो ये हट जाएगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे मीम जबर मा, मीम जबर मा, मीम जबर मा, फिर बोलिए पेश को पढ़ने का तरीका समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा पढ़ लेंगे।
पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेरली, लाम ज़ेरली, काफ़ मेशकु, काफ़ मेशकु, मालिकु, मालिकु। बंद था पढ़ के, इतना देर नहीं रहता है। चल चल, बंद था पढ़ के, अभी चल।